मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, ये वाली वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में यही बताया जा रहा है कि जज साहिबा जो फैसला करने वाली थी, लेकिन उनका वक्त जो है मुकम्मल हो गया, जो दिया गया टाइम था वो खत्म हो गया, इसलिए जज साहिबा ने कोई फैसला नहीं सुनाया। और जो कि आपको दिखाई देता होगा, जो कि एक वकील है सामने खड़े, उनके सामने में बहुत सारी पर्चियां रखी हुई है, ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील हैं, और बाकी जो दीगर हैं वो देखने वाले हैं, और भी बहुत सारे वकील भी हैं, सरकारी वकील भी हैं वहां पर। तो कहा जा रहा है कि आज जो 20 फरवरी है, 20 फरवरी की ये वाली वीडियो है, और जज साहिबा ने कोई फैसला नहीं सुनाया इसलिए कि उनके पास वक्त खत्म हो गया था। लेकिन ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि आज की नहीं है, सारे मुसलमान यही सोच करके इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कोर्ट में आज भी पेशी था। यहाँ पर और भी आपको समझ में आ जाएगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में हैं अभी, जो कि आपको पता ही है कि सुरक्षा कारण की वजह से उनको साबरमती जेल में रखा गया है, जो कि सारी बातें आपको मालूम है, 17 फरवरी को ही ये बात आम हो गई थी, और जो कि उनके उनके वकील मोहम्मद इदरीस है उन्होंने भी ये बात कही है। तो फिर आज ये सुनवाई हुई, और सुनवाई में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कहाँ है, कहीं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। थंबनेल में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लगाया जा रहा है, तो वो 17 फरवरी की बात है मेरे भाई, और ये जो वीडियो वायरल हो रही है ये भी 17 फरवरी की है। लेकिन पता नहीं लोगों को झूठ फैला करके और झूठी खबर लोगों तक पहुंचा करके पता नहीं क्या मिलता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं आपको बता देता हूं कि उनका जो ऑफिशियल अकाउंट है वो मेरे पास है, मैंने उनको फॉलो कर रखा है। दूसरी बात, ये तो YouTube की बात है, उनका WhatsApp में एक ग्रुप है जो तहफ़्फ़ुज़ नामोस रिसालत के नाम से चलता है, जो उनके करीबी लोग हैं और भी उनसे जुड़े हुए जो मेंबर हैं वो लोग उस ग्रुप को चलाते हैं। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले उस ग्रुप में डाला जाता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ क्या हो रहा है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी कहाँ पर है। हाँ, ये बात सच है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो एडवोकेट हैं, उनके जो वकील हैं मोहम्मद इदरीस, तो इनके साथ साथ और भी दो वकील को हायर किया गया है, एक मुंबई से आने वाले हैं और एक अहमदाबाद के ही है, जो कि ये एडवोकेट मोहम्मद इदरीस ने खुद बताई थी, वो ऑडियो भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन ये वाली वीडियो कोई आधे घंटे की शेयर कर रहा है, तो कोई 6 मिनट की शेयर कर रहा है, और लोगों को बता रहा है कि देखिए किस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ लान तान की जा रही है, कोर्ट का ऐसा फैसला आ गया, वैसा आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो दिखाया गया है, जो बहस की गई है, गुजराती लैंग्वेज है, जो कि यूट्यूब पर आपने देख लिया। बस एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो दूसरे वकील है वो जज साहिबा को एक बात कहता है कि उत्तर प्रदेश में भी इस मौलाना ने इसी तरीके से भड़काऊ भाषण दी थी, जो कि जज साहिबा ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि उत्तर प्रदेश की बात यहाँ गुजरात में तुम क्यों लेकर आ रहे हो, गुजरात में जो बात हुई थी उसके बारे में बताओ, किस सिलसिले में यहाँ पर मामला दर्ज हुए इसके बारे में तुम बात करो। तो इस तरीके से जज साहिबा ने झिड़क दिया था, और मोहम्मद इदरीस और जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील हैं, ये सारी वीडियो में आप देखेंगे तो उन्हीं की बयान है, और वही बता रहे हैं जज साहिबा को, जो कि आखिर में जज साहिबा ने कहा कि वक्त हो गया ऐसा ऐसा। तो इस तरीके से वीडियोस खुदा के वास्ते वायरल ना कीजिए। सच्ची खबर क्या है, तो उनका जो ग्रुप है तहफ़्फ़ुज़ नामोस रिसालत, वहां से बस एक ही खबर आई है कि आज 20 तारीख है तो कोर्ट में उनकी सुनवाई है, लेकिन अभी क्या फैसला हुआ है अभी ये फैसला निकल कर सामने नहीं आया है। लेकिन सुनवाई हो रही है कोर्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाली वीडियो शेयर किया जाए और कहा जाए कि आज ही की ये वीडियो है, आज ही कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ये वाली वीडियो आज की नहीं है, 17 फरवरी की। लेकिन हाँ, आज कोर्ट में सुनवाई है, इंशाल्लाह तबारक व ताला उम्मीद है कि रिहाई उनको मिल जाएगी। आपसे गुजारिश है कि मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई के लिए आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। आपसे गुजारिश है कि कोई भी खबर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में आए बगैर तहकीक के उसे सच ना मान ले, जैसे कोई खबर आती है इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें, ताकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में जो जानना चाह रहे हैं उसे जानकारी मिल जाए कि ये वाली वीडियो बिल्कुल आज की नहीं है बल्कि 17 फरवरी की है। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।